Guys, Akasa Air is finally hiring male and female both. Hi guys, I hope you all are doing really really good. My name is Simran. Welcome or welcome back to my channel. आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं Akasa Air की वैकेंसी के बारे में, जो कि लड़के और लड़की दोनों के लिए आई हुई है. सो जितने भी मेल एस्पिरेंट्स थे जो लोग वेट कर रहे थे कैबिन क्रू की वैकेंसी के लिए कि कब से नहीं आ रही है वैकेंसी, फाइनली उन लोगों के लिए टाइम आ चुका है अप्लाई करने का. ये वाला जॉब वैकेंसी मिस आउट मत करना गाइज. Akasa Air में सबसे पहले आपको करना पड़ेगा ऑनलाइन अप्लाई. अगर आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है तो फिर आपको मेल आ जाएगा जिसमें इंटरव्यू के वेन्यू डिटेल्स और बाकी सारे इन्फॉर्मेशन आपको दे दिए जाएंगे थ्रू ईमेल. सो अगर आप जानना चाहते हैं कैसे अप्लाई करना है, लास्ट डेट कब तक की है और कौन सी लिंक से अप्लाई करना है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं Akasa Air के कुछ बेनिफिट्स के बारे में कि अगर आप Akasa Air ज्वाइन करते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे. सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द सैलरी जो आपको ट्रेनिंग टाइम पे दी जाएगी. सो अगर आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हो Akasa Air, तो 3-4 महीने की जो ट्रेनिंग होती है उस ड्यूरेशन में आपको मिलेंगे 18,000 rupees पर मंथ 4 months तक, ठीक है. उसके बाद जैसे ही आप एज अ कैबिन क्रू फ्लाई करना चालू कर देते हो तो उसका सैलरी स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट होता है. अगर आप जानना चाहते हो कि Akasa Air की एक्चुअल सैलरी कितनी है, जब आप फ्लाई करोगे तब आपको कितनी सैलरी मिलेगी, तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो चेकआउट कर सकते हो. नाउ द नेक्स्ट बेनिफिट इज गाइज दैट यू विल गेट स्टाफ ट्रेवल बेनिफिट्स. तो इधर यू विल गेट डिस्काउंटेड टिकट्स और यू विल गेट फ्री टिकट्स, ठीक है. नाउ स्टाफ ट्रेवल मतलब होता है जो आपको फ्लाइट के टिकट्स मिलते हैं तो आपको और आपके साथ साथ आपके 6 फैमिली मेंबर्स को मिलते हैं फ्री और डिस्काउंटेड टिकट्स. और इन 6 लोगों में आपका जो बॉयफ्रेंड है, आपका गर्लफ्रेंड है, किसी के साथ आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हो, तो आप उनको भी इंक्लूड कर सकते हो. सो इसमें एज सच कोई ब्लड रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है. ऑल्सो गाइज, ड्यूरिंग ट्रेनिंग यू विल गेट अकोमोडेशन असिस्टेंस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट गाइज. तो Akasa Air का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 5 years का होता है. इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप 5 साल के पहले एयरलाइन नहीं छोड़ सकते हो. आप डेफिनेटली एयरलाइन छोड़ सकते हो 5 साल के पहले भी. कुछ रेजिग्नेशन पीरियड होता है, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, वो आप सर्व कर सकते हो और एयरलाइन छोड़ सकते हो. और 5 साल के बाद ये रिन्यू भी हो जाता है. मोस्टली एयरलाइंस में, जैसे कि जिस एयरलाइन में मैं काम करती हूँ उसमें 3 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट होता है. तो अच्छी चीज है कि आपका 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पे. नाउ गाइस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि Akasa Air का जो बेस होगा जहां से आप फ्लाई करोगे वो होगा बैंगलोर. तो जो लोग भी बैंगलोर मूव होने के लिए रेडी हैं वो लोग इंटरव्यू जरूर से दे देना. गाइस, आपका जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो भी कंपनी ही करा के देगी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम अलाउंसेस जो कि आप Akasa Air ज्वाइन कर लेते हो तो आपको मिलेंगे. सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेओवर अलाउंस के बारे में, जो कि आपको मिलेगा 500 rupees पर लेओवर अप टू 10 hours. मतलब 10 घंटे तक अगर आपको कहीं भी दूसरी सिटी में रुकना पड़ रहा है तो उस चीज के आपको मिलेंगे 500 extra. और अगर हो सकता है आप 12 घंटे, 15 घंटे तक भी रुक रहे हो, 24 hours तक भी रुक रहे हो, तो वो एड ऑन होते जाएगा आपका अमाउंट, ठीक है. तो हो सकता है 500 की जगह आपको 550 मिले, 600 मिले, 700 मिले. सो दैट डिपेंड्स. तो अप टू 10 hours आपको जो अलाउंस मिलने वाला है वो होने वाला है 500 rupees. नाउ एक चीज होती है एविएशन में जो कि होती है डेड हेड. जब आप एज अ पैसेंजर ट्रेवल कर रहे होते हो, आप कोई भी ड्यूटी नहीं कर रहे होते हो, आप फ्लाइट ऑपरेट नहीं कर रहे हो, तो उसको हम कहते हैं डेड हेड ट्रेवल. तो उसका भी अलाउंस दिया जाएगा आपको पर सेक्टर. जैसे कि आप अगर बैंगलोर टू मुंबई डेड हेड जा रहे हो तो उसका आपको मिलने वाला है 350 rupees. और हो सकता है आप मुंबई से देहरादून भी फिर डेड हेड कर रहे हो तो प्लस 350 rupees. तो आपका उस दिन का बन जाएगा 700 rupees टोटल. नाउ गाइस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हम सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो होती है लीव्स. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लीव्स. आपको टोटल 18 पेड लीव्स मिलने वाली हैं, 6 कैजुअल लीव्स और 6 sick leaves. तो कैजुअल लीव्स वाला जो फंडा है वो बहुत अच्छा है Akasa Air का, क्योंकि मोस्टली एयरलाइंस पे कैजुअल लीव्स नहीं होती, आप कैजुअल लीव्स नहीं ले सकते हो. बट Akasa Air अगर वो बेनिफिट दे रही है तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है. सो गाइस, जो लोग भी मेल हैं, दोबारा बोल रही हूँ, जो भी लड़के लोग हैं जो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, इस बार अप्लाई जरूर कर लेना. नाउ गाइस, लेट्स टॉक अबाउट सम रिक्वायरमेंट्स. सो गाइस, सबसे पहली चीज है कि आपको इंडियन नेशनल होना जरूरी है. अगर आप नेपाल से हो, अगर आप कहीं और से हो, तो और अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि Akasa Airline में सिर्फ इंडियन नेशनल्स ही अप्लाई कर सकते हैं.
नाउ देर आर थ्री इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास होना ही चाहिए. सबसे पहले है आपका पासपोर्ट, आधार कार्ड है और फिर पैन कार्ड है. अगर आपके पास इन तीनों में से एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो पहले आप डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई कर लो और उसके बाद फिर आप इंटरव्यू के लिए जाना. नाउ गाइज एज अकासा एयर इज हायरिंग मेल एंड फीमेल बोथ. तो मेल के लिए जो हाइट होगी वो होगी 167.5 सेंटीमीटर्स. अगर उससे ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर उससे कम है तो शायद थोड़ी मुश्किल हो सकती है. और फीमेल्स के लिए जो हाइट है वो होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर्स. जो आपकी वेट है वो होना चाहिए इन प्रोपोर्शन टू योर हाइट, जिसके लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा BMI, जो कि होता है बॉडी मास इंडेक्स. फीमेल्स के लिए जो BMI होगा वो होगा 18-23 और मेल्स के लिए जो BMI होगा वो होगा 18-25. तो इसके बीच की अगर रेंज है तो बहुत अच्छी बात है. अगर आप ओवरवेट हो रहे हो तो आपको वेट रिड्यूस करना पड़ेगा. अब जो मेन चीज आती है वो आती है कि BMI आपको कैलकुलेट कैसे करना है. सो गाइस, जो भी उसका प्रोसीजर होता है, जैसे उसको कैलकुलेट करना होता है, उससे रिलेटेड मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है BMI को कैलकुलेट करने की, तो आप वो भी जरूर देख सकते हो. उसके अलावा भी मैंने एयरहोस्टेस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, कैसे आप इंटरव्यू देने जा सकते हो, तो कैसे आपको अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करना है, इंग्लिश कैसे इंप्रूव करनी है, और भी बहुत सारे वीडियोस हैं. तो आप मेरा पूरा चैनल ही देख सकते हो, जिससे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी. नाउ गाइस, व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, तो आपको 12th पास होना मैंडेटरी है और आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 18 इयर्स. ऑल्सो गाइस, आपके बॉडी पे कोई भी विजिबल टैटूज नहीं होना चाहिए. और उन्होंने वेबसाइट पे एक चीज क्लियरली मेंशन करी हुई है कि ये जो जॉब है इसमें ट्रैवल आपको करना पड़ेगा और आपकी जो शिफ्ट होंगी वो रोटेशनल शिफ्ट होंगी, उसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होगा. तो अगर आप रेडी हो रात में 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे या फिर दोपहर में या फिर शाम में भी ट्रैवल करने के लिए, फ्लाइट्स ऑपरेट करने के लिए, तभी आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना, अदरवाइज आप अप्लाई मत करना. सो गाइस, ये थे कुछ रिक्वायरमेंट्स. अगर आप इन सारे रिक्वायरमेंट्स के अंडर आ रहे हो और आप उनके बेनिफिट्स से खुश हो कि क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, और अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो जो एप्लीकेशन की लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रही हूँ, वहां से देख सकते हो. इन केस अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक कैसे देखनी है, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो कि लिंक, तो मैं आपको अपने कमेंट पे ही लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहां से अप्लाई कर सकते हो. और गाइस, ये वैकेंसी अभी 2 दिन के पहले ही आई है, तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्लाई कर देना, क्योंकि अभी उन लोगों ने कोई भी लास्ट डेट नहीं शो करी हुई है. जैसे ही उनकी जॉब पोजीशन फुल हो जाती है, जितनों की उनकी रिक्वायरमेंट होगी, वैसे ही वैकेंसी का वो जो ऑप्शन आ रहा है अप्लाई नाउ का, वो बंद हो जाएगा. तो आपको क्या करना है, आपको जो लिंक है उस पर क्लिक करना है, उस पर आपका प्रोफाइल सेट करना है. जैसे ही आप प्रोफाइल सेट कर लोगे, वहां पे आपको एक ऑप्शन आएगा आपका CV अपलोड करने का. सो आपने अपना लेटेस्ट CV अपलोड करना है, आपके फोटोग्राफ्स अपलोड करना है, आपका एड्रेस अपडेट करना है, आपके जॉब प्रोफाइल अपडेट करना है, आपका पास्ट वर्क एक्सपीरियंस, आपका एडुकेशन, आपके स्किल्स, इन सारी चीजों से रिलेटेड आपको सब कुछ अपडेट करना पड़ेगा. उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन आने वाला है सबमिट का, आप वहां से सबमिट कर सकते हैं. आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा अकासा एयर में, और अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो उनको आपका रिज्यूमे, आपका प्रोफाइल अगर पसंद आता है, तो आपको बाकी के जो डिटेल्स है वो ईमेल के थ्रू शेयर कर दिए जाएंगे. जो नेक्स्ट राउंड होगा वो हो सकता है ऑनलाइन हो सकता है ऑफलाइन हो, तो आप रेडी रहना. अगर आप जानना चाहते हो और भी बहुत सारी डिटेल्स अकासा एयर से रिलेटेड, तो प्लीज कॉमेंट कर देना, मैं उसके लिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर बनाने का भी सोच रही हूँ. आई होप गाइज दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ.